अब दोस्तों इस फोन को यानी कि Motorola का H50 Fusion को लगभग एक महीने से भी ज्यादा लंबा वक्त हो गया इसको यूज किए हुए एज अ प्राइमरी डिवाइस। अब यूज करने के दौरान जो सारी चीजें हमने यहाँ पे अच्छी चीजें फेस की और बुरी चीजें यहाँ पे फेस की ना, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप ये स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो, थोड़ा सा भी चिंता फिक्र है ना, तो इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेंगे ना तो आपको 110% आइडिया हो जाएगा कि ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों के लिए है कि नहीं। अब हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बना दिया, उसी तरह से आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि इसका डिटेल में आउटडोर में कैमरा टेस्ट करके दिखा दिए। तो आप लोगों ने डिमांड किया और हमने पूरा ना किया, तो ऐसे तो हमारे हालात नहीं, हमने कैमरा टेस्ट भी कर दिया। इवन हमने इसको Motorola का H40 न्यू के साथ कैमरा कंपैरिजन वाली भी वीडियो बना दी। जिन लोगों कैमरे के हिसाब से कंफ्यूजन है कि Motorola का H40 न्यू लेना चाहिए फिर Motorola का H50 फ्यूजन लेना चाहिए, उस वाली वीडियो का अगर आप देख लोगे ना तो डिटेल में सारी चीजें हमने वहां पे कवर अप की हुई है। जरूर से उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बिल्ड के बारे में, तो 25,000 रुपए के हिसाब से इसका जो बिल्ड है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। और बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में Motorola जो है बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन यहाँ पे निकाले जा रहा है। तो सबसे पहली जो चीज आपको यहाँ पे नोटिस होगा वो है इसका वीगन लेदर का बैक का डिजाइन, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको फील कराएगा। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज आपको यहाँ पे नोटिसेबल होगी कि बहुत ही ज्यादा स्लिम ट्रिम वाला ये स्मार्टफोन है, बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, मात्र 175 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। और ये जो साइड का जो फ्रेम Motorola ने यहाँ पे जो यूज किया है ना दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मेटल का है, लेकिन ये मेटल का नहीं, ये यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं और टाइप सी वाला पोर्ट मिल जाता है 2.0 के साथ। ऊपर की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन भी दिया गया है। और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं और पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे दिया गया, जिसकी क्वालिटी थोड़ा सा और अच्छा होता है, थोड़ा सा और ज्यादा टेक्टाइल होता है ना, तो इसको प्रेस करने में और भी ज्यादा मजा आता है। बाकी ये स्मार्टफोन को एक हाथ से आप आराम से इजिली यहाँ पे पकड़ सकते हो और इसको चलाने में भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आपका हाथ छोटा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ये आपका पिंकी फिंगर जो है यहाँ पे ऐसे नीचे अटैच करके इसको एक हाथ से चला सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैमरा का जो डिजाइन भी दिया गया आप देख सकते हो, बैक साइड में इसका कैमरा का जो मॉड्यूल है वो मर्ज कर दिया गया है। और Motorola का जितना भी स्मार्टफोन अभी के टाइम में जितना भी लॉन्च हो रहा है ना, वो लमसम में सेम डिजाइन पैटर्न के साथ ही आता, तो लमसम में सेम ही डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो Motorola का H40 न्यू है वो लमसम में सेम डिजाइन के साथ आता, बस आपको थोड़ा सा अंतर ये देखने को मिलेगा जो कैमरा का जो डिजाइन दिया गया इसमें मर्ज किया हुआ है, यानी कि बैक पैनल के साथ चिपका हुआ है। और वहीं अगर बात करें 40 न्यू के बारे में, तो हल्का सा उभरा हुआ अलग से पैनल वहां पे यूज किया गया है। बाकी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि Motorola का जो H40 न्यू है उससे थोड़ा सा ज्यादा ये कंफर्टेबल स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड का जो एजेस वगैरह दिया गया, जो फ्रेम दिया गया है, वो आप देख सकते हो थोड़ा सा चपटा टाइप का दिया गया, यानी कि जो ग्रिप है ना आपका वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने वाला है, क्योंकि Motorola जो H40 न्यू है उसमें पूरा का पूरा कर्व टाइप का यहाँ पे दिया गया है। तो कंफर्ट जोन के हिसाब से भी हम देखें तो Motorola जो H50 फ्यूजन है वो काफी अच्छा आपको यहाँ पे इन हैंड एक्सपीरियंस भी देगा। अब दोस्तों इस फोन का दूसरा जो चीज हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले आप देख सकते कितना ज्यादा प्रीमियम लगता है फ्रंट साइड से, और यहाँ पे जो बेजल्स वगैरह भी दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल दिए गए हैं, जिसके कारण जो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है आपका बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। ऊपर की तरफ भी बेजल्स यहाँ पे कम दिया गया, नीचे की तरफ भी बेजल्स कम दिया गया, जो साइड के जो बेजल्स है वो भी आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कम दिया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कर्व डिस्प्ले यूज किया गया है वो देखने में तो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन गिरा तो आपको बहुत बड़ा खर्चा भी लग सकता है, क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले का जो रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट आता है ना वो बहुत ही ज्यादा आता है। अब ये चीजें हमने आपको इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि ये स्मार्टफोन को आपको बिना कवर का यूज करने का बहुत ज्यादा दिल करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन अगर गिर गया ना तो आपको बहुत ही मोटा खर्चा पड़ जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये स्मार्टफोन को जरूर से कवर पहना के ही यूज कीजिएगा, और इसके साथ जो कवर दिया गया है उस कवर को यूज मत कीजिएगा, अलग से मार्केट से कोई और कवर यूज कर लीजिए, क्योंकि वो जो कवर है वो उतना ज्यादा प्रोटेक्शन आपको इसके डिस्प्ले को या फिर इसके बैक को नहीं देगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। बाकी जहां तक बात है डिस्प्ले के बारे में, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में, तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 10 बिट वाला पैनल यूज किया गया, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले यहाँ पे यूज किया गया, 1600 का पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया फीचर वाइज। बाकी अगर बात करें डिस्प्ले आउटपुट के बारे में, तो यार कलर वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल गया था, थोड़ा सा ओवर सेचुरेशन कलर आपको जरूर फील होगा, लेकिन जो लोग मल्टीमीडिया के हिसाब से कोई स्मार्टफोन खोज रहे ना उनके लिए स्मार्टफोन काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे वीडियोस वगैरह YouTube पे भी स्ट्रीम किया, Netflix पे Wide 1 L1 का भी सपोर्ट दिया गया, तो वहां पे भी
कोई भी तरह का इशू नहीं, HDR का सपोर्ट नहीं दिया गया, ना ही आगे आपको मिलेगा। ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि नहीं मिलता। मॉडल के बहुत सारे स्मार्टफोन हमने यूज किए, बहुत सारे लोग तो आपको बोल देते हैं कि HDR का सपोर्ट आपको अपडेट के बाद मिल जाएगा, लेकिन हमने बहुत कम केसेस में देखा कि अपडेट के बाद जो है यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका डिस्प्ले चलाने में तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि जो स्मूथनेस आपको मिलेगा ना 144Hz रिफ्रेश रेट के कारण जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे जो आउटडोर की विजिबिलिटी है वो भी आपको बहुत ही तगड़ा मिल जाएगा, यानी कि आउटडोर में अगर आप फोन वगैरह का चलाते हो तो आपको कोई भी तरह का इशू इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बस एक चीज का आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि HDR का सपोर्ट आपको YouTube में भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको Netflix में मिलेगा। तो HDR कंटेंट आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो मेरे हिसाब से ई वाला स्मार्टफोन को छोड़ के आप Motorola का H40 Neo के तरफ भी जा सकते हो, उसमें आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको अभी तो नहीं दिया गया। लेकिन ओवरऑल इसका डिस्प्ले हमको काफी ज्यादा अच्छा लगा, आपको HDR की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से जो है यहाँ पे YouTube पे स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें आपको Dolby Atmos का सपोर्ट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है जो, और जो इसका आउटपुट है ऑडियो का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको आराम से जो है मल्टीमीडिया में कोई भी तरह का शिकायत तो ये नहीं देगा। और हाँ दोस्तों इसमें आपको 3.5 का जैक का सपोर्ट नहीं दिया गया, FM रेडियो का भी सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन हाँ गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया, तो अगर आप उस फीचर को यूज करते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में कि ये स्मार्टफोन को इतने लंबे समय तक यूज करने के बाद हमको क्या फीलिंग हुआ, खास करके इसके हीटिंग इश्यूज को लेके, तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर आउट बताना चाहूंगा, इसमें हमने बहुत सारे गेमिंग वगैरह यहाँ पे प्ले किया है, लगभग 1.5 घंटा हमने इसमें गेमिंग किया, तो गेमिंग करने के दौरान जो स्लाइटली जो है स्क्रीन के ऊपर आपको थोड़ा बहुत जो हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज हमको बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आया कि जब हम डे टू डे वाला यूज करते नॉर्मल फेसबुक वगैरह चला रहे थे, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे थे, तो उस केस में जो है ये स्मार्टफोन गेमिंग के हिसाब से ज्यादा हीट कर रहा था। अब मे बी इसको अपडेट के साथ फिक्स कर दिया जाए, कोई बग है या क्या है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये चीज हमने नोटिस किया तो इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर दिया गया है, और इसमें हमने अंतुतु स्कोर भी रन किया था, लगभग 5,64,000 का स्कोरिंग यहाँ पे देखने को मिला था, और थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था, तो ग्राफ तो हर रहा था, उसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता, लेकिन हाँ जब हमने अंतुतु स्कोरिंग किया था तो बहुत ज्यादा हेवी स्ट्रेस पड़ने के कारण जो स्मार्टफोन यहाँ पे हीट भी कर गया था। बाकी अगर बात करें स्टोरेज टाइप के बारे में तो यहाँ पे आपको UFS 2.2 का सपोर्ट दिया गया, LPDDR4X वाला रैम भी दिया गया है, और इसमें जो ग्राफिक्स मिल जाता है वो आपको एड्रेनो का 610 वाला ग्राफिक्स इसमें यूज किया गया है। डे टू डे वाला यूज करने में हमको कोई भी तरह का शिकायत तो नहीं है, कहीं पे भी फोन अटका झटका तो नहीं, लेकिन हाँ हीटिंग इशू हमको इसमें देखने को मिला। तो अगर आप ये स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्लाइटली हीटिंग इशू तो देखने को मिलेगा, ये चीज हम आपको यहाँ पे पहले ही बता दे रहे हैं। बाकी गेमिंग वगैरह इसमें आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो, BGMI वगैरह आप जो है HDR एक्सट्रीम वगैरह पे भी खेल सकोगे, इसमें हमको कोई भी तरह का दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिला। ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है प्राइसिंग के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हेवी परफॉर्मेंस वाला तो ये स्मार्टफोन नहीं है, स्लाइटली आप थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, ओवरऑल एक ऑलराउंडर वाला टाइप का परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो ना, तो उस केस में ये आपको दिक्कत नहीं देगा। मे बी इसका जो हीटिंग इशू है अपडेट के कारण रिजॉल्व कर दिया जाए, लेकिन Motorola में अपडेट का ही सबसे बड़ा जो इशू होता है अपडेट, तो अपडेट का तो प्रॉमिस कर देते हैं लेकिन जल्दी अपडेट नहीं मिलता है। बाकी देखते हैं कि ये स्मार्टफोन में अपडेट आने के बाद ये सारा प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हुआ कि नहीं, अगर और जैसे ही हो जाएगा तो मैं वीडियो बना के आप लोग के लिए दे दूंगा, तो उसके लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल नोटिफिकेशन को टिप लीजिएगा ना, तो भैया आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों जहां तक बात है बैटरी के बारे में, तो बैटरी में दोस्तों आपको जरा सा भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, 5000mAh की बैटरी दी गई, और 5000mAh की बैटरी देने के बावजूद भी ये स्मार्टफोन आप देख सकते हो काफी ज्यादा पतला है और काफी ज्यादा लाइट वेट भी है, और 68W का फास्ट चार्जिंग भी दिया गया, और फास्ट चार्जिंग बहुत ही तेजी से करता है, और साथ ही साथ इसको जो बैटरी बैकअप भी है आपका एक दिन आराम से ये निकाल के दे देगा। अब हाँ इस चीज का हम गारंटी नहीं लेते हैं कि 6 बजे उठ के अगर आप स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो, दिन भर रील्स वगैरह देख रहे हो, तो उस केस में भैया आपका आराम से जो आधा ही दिन ही चलने वाला है, क्योंकि किसका दिन का शुरुआत कितने बजे से होता है तो वो तो भैया डिफरेंट टाइप के यूजर है, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस यहाँ पे होता होगा, लेकिन हाँ अगर आप 9 बजे से स्मार्टफोन को यूज करते हो, थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह करते हो, थोड़ा बहुत कैमरा वगैरह का यूज करते हो, उस केस में आपको ये एक दिन आराम से बैटरी बैकअप दे देगा। बाकी जहां तक बात है कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया गया, NFC का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा, 13 से 14 5G बैंड भी इसमें मिल जाएंगे, और इसमें हमने दबा दबा के कॉल्स वगैरह भी किया है, तो कॉल्स वगैरह में हमको कोई भी तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला, आराम से कॉल वगैरह लग जा रहा था। कभी कभी एक चीज हमने नोटिस किया कि एक बार में कॉल नहीं लगता, जब एक बार में कॉल नहीं लगता तो फटाक से कॉल को कट करके फिर जब दूसरी बार कॉल लगाते हैं तो आराम से लग जाता है। ये जो इशू है ना, मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन
में टेस्ट किया है। ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये स्मार्टफोन का प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम जो है नेटवर्क का। नेटवर्क आज के टाइम इतना ज्यादा मतलब बेकार हो गया है ना, क्या ही बोले, कि एक बार में कॉल ही नहीं लगता है। आप लोग भी इस बात से कितना ज्यादा सहमत है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको इनफ 5G बैंड्स में मिल जाते हैं और ये जो इसमें नेटवर्क जो स्टेबिलिटी है वो भी हमको इसमें काफी ज्यादा स्टेबल देखने को मिला। अब आते हैं मेन मुद्दे के बारे में कि भैया सब कुछ तो आपने यहाँ पे बता दिया, अब इसके कैमरे के बारे में भी बता दिए। अब देखिए कैमरा को लास्ट में हम इसलिए रखेगा कि हम यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि जिन लोगों को कैमरे के हिसाब से डिसीजन लेना उनके लिए वो सारी चीजें यहाँ पे आसान पड़ जाए। बाकी जहां तक बात है कैमरा फीचर्स वगैरह के बारे में, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कोई आपको 4 या 3 कैमरा नहीं दिए गए, इसमें आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। जो पहला कैमरा यहाँ पे यूज किया गया वो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो स्टेबिलेशन भी है वीडियो में वो हमने आउटडोर में जाके चेकआउट किया था, तो स्टेबिलिटी के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। रियर कैमरे के बारे में हम बात करें, फ्रंट कैमरे के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा ना, तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर आउट जरूर से हो जाएगी। और यहाँ पे जो दूसरा कैमरा यहाँ पे यूज किया गया वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर यूज किया गया। और अच्छी बात यह है कि रियर कैमरा से 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड का जो सेंसर दिया गया, दोनों में से जो है आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पे। अब जहां तक बात इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया और यहाँ पे भी 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया। तो अगर आप 4K में बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हो तो मेरे हिसाब से मोटोरोला जो H50 फ्यूजन है वो बहुत ही अच्छा डील बन जाता है, क्योंकि इसके फ्रंट कैमरा से भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके अल्ट्रा वाइड से भी 4K कर सकते हो, और इसका जो मेन सेंसर दिया गया उससे भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी जहां तक बात है वीडियो आउटपुट के बारे में, तो सीधे लफ्जों में मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर लाइटिंग अच्छी है तो बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, वीडियो का जो स्टेबिलेशन है वो भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसके फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो और इस टाइप का लाइटिंग कंडीशन है, या फिर बाहर वगैरह में वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हो, तो आप देख लो किस टाइप का आपको वीडियो का क्वालिटी मिलने वाला। ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो मैं इसके फ्रंट कैमरा से 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और मुझे तो इसका वीडियो का जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है ओवरऑल, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्राइस पॉइंट में। बाकी डिटेल में अगर आपको जानना कि आउटडोर में इसका कैमरा किस टाइप का काम करता है, तो डिटेल में टेस्ट बना है, आप लोग ही बोले थे तो बना के रख दिए हैं, जाके उस वीडियो को देखिएगा ना। तो कैमरे के हिसाब से अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको उस वीडियो में पूरा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब जहां तक बात है फोटोग्राफी के मामले में, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज वगैरह भी खींचा है, हर एक एंगल हर एक लाइटिंग कंडीशन में। लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इसका कैमरा, बाकी डे लाइट में बहुत ही अच्छे फोटोज वगैरह आप निकाल पाओगे, डिटेलिंग वगैरह बहुत ही अच्छा इसमें आपको देखने मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का अलग से एक ऑप्शन भी दिया गया, वहां से और भी डिटेल में फोटोज वगैरह निकाल सकते हो। पहले की कंपैरिजन में मोटोरोला को आप यहाँ पे जज करोगे ना, तो इसका जो कैमरा है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे जो है ना इंप्रूव हो रहा है। और इसमें जो सेंसर भी यूज किया गया वो मैं आपको बताना भूल गया, सोनी का सेंसर यूज किया गया, लाइटियर 700C वाला सेंसर यहाँ पे यूज किया गया। देखिए मोटोरोला जो है ना पहले के टाइम में नहीं बताता था कि कौन सा सेंसर वो लोग अपने कैमरा में यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ इस बार ये लोग बता रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक आइडिया लग जाता है कि कैमरा का परफॉर्मेंस किस टाइप का यहाँ पे निकल के आएगा। कि इसके कैमरा फीचर्स के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि भाई एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना के दे दें, तो वो भी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम बना के दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। बस इस वीडियो में अगर आप लोग 1000 लाइक पहुंचा देते हैं तो बहुत ही जल्दी से बना के दे देंगे। अब अगर हम बात करें इसके UI के बारे में दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आपको UI देखने को मिलेगा, कोई भी तरह का आपको ब्लोटवेयर वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देगा। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको एंड्रॉइड 14 मिल जाता है, और कंपनी का ऐसा कहना है कि भाई 3 साल का OS का अपडेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ 4 साल का सिक्योरिटी का अपडेट यहाँ पे दिया गया। लेकिन अपडेट के मामले में ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपडेट जल्दी नहीं मिलता है, तो इस चीज को आप जरूर से ख्याल जरूर रखिएगा। बाकी यहाँ अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी तरह का एड्स वगैरह या फिर ब्लूटूथ वगैरह या फिर अंडू पंडू जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर बात करें मोटोरोला के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो वो सारे फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि फोन को अगर आप शेक करते हैं तो यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, फिर से शेक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा। फ्लिप टू DND का भी ऑप्शन मिल जाता है, मोटो कनेक्ट का भी फीचर दिया गया, अगर आपको अपने स्मार्टफोन को जो है PC वगैरह के साथ कनेक्ट करना है तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे कर सकते हो। मोटो सिक्योर मिल जाएगा, मोटो हब मिल जाएगा, सिक्योर फोल्डर भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे जो मोटोरोला के जो फीचर्स वगैरह होते हैं वो सारे फीचर्स आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन के बारे में, सीधी बात नो बकवास की भैया 25-26 हजार रुपए के हिसाब से हमको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, तो देखिए इसमें प्रोज बहुत ही ज्यादा, यानी कि अच्छी जो चीजें हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। जैसे कि इसका जो बिल्ड एंड डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, इन हैंड जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही तगड़ा देने वाला है, और ये जो इसका डिस्प्ले है इसकी भी क्वालिटी हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कर्व डिस्प्ले है, बहुत ही कम बेजल्स के साथ आता, कैमरा भी प्राइसिंग के हिसाब से देखोगे तो आपको ये निराश नहीं करेगा। IP68 का रेटिंग भी यहाँ पे दिया गया, परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लाइटली कम है, हीटिंग इशू आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों चीजों को मैनेज कर लेते हो, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा
मैनेज कर लोगे, हीटिंग को थोड़ा सा मैनेज कर लोगे ना, तो मेरे हिसाब से 25-26 हजार रुपए के हिसाब से ये एक ऑलराउंडर वाला फोन है। आराम से ये स्मार्टफोन को आग बंद करके ले सकते हो। बाकी इस स्मार्टफोन के बारे में और भी कुछ जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, वीडियो बना के हम दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।